हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेंडिंग राशन कार्ड कैसे स्टेटस कैसा चेक करते हैं। वेबसाइट पर फिर से एक बार चेक करने का ऑप्शन आया है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा FSC स्टेटस। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड, ये लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा FSC सर्च पे। उसके बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड में FSC एप्लीकेशन सर्च पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे तो मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो यहाँ हैदराबाद सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मीसेवा नंबर इंटर करना होगा, जो कि आप अपना राशन कार्ड अप्लाई करने के बाद में जो मीसेवा वाले देते ना स्लिप, उस पर एप्लीकेशन नंबर बोल के लिखा हुआ रहता, वो नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। तो चलिए मैं वो नंबर यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं सर्च पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसा ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके डिटेल्स आ जाएंगे। देख सकते हैं मेरा अप्रूव हो गया है राशन कार्ड। यहाँ पे आप मेंबर डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप राशन कार्ड नंबर देख सकते हैं, इसको आपको नोट करके रख लेना होगा, आपको प्रिंट निकालते समय काम में आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, डायरेक्ट राशन कार्ड नंबर डाल के भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको FSC सर्च में फिर से एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ मैं हैदराबाद में रहता हूँ, यहाँ हैदराबाद सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आप भी अपने राशन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।